कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के प्रचार के लिए रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रियंका गांधी से जब पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने की अपील की और कहा कि आप लड़िए, पूरे पूर्वांचल में हवा बनेगी, तो सूत्रों के मुताबिक प्रियंका ने हंसते हुए मजाकिये लहजे में कहा कि वाराणसी से लड़ जाऊं। प्रियंका गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पूरी बातचीत अनौपचारिकता पर रही। बता दें कि वाराणसी लोकसभा सीट देश की सबसे वीवीआईपी सीटों में से एक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में इसी सीट से जीकर संसद पहुंचे थे और 2019 में एक बार फिर वह इसी सीट पर किस्मत आजमाएंगे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, खास तौर से पूर्वी यूपी में कांग्रेस का बेड़ा पार कराने के लिए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को बड़ी उम्मीदवारी दी है। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के गढ़ कहे जाने वाले पूर्वांचल की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के हाथों में है। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ लड़ती है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि अब तक उन्हें जो चुनौतियां मिली है उसका उन्होंने सामना किया है और यूपी की लड़ाई त्रिकोणीय बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।